लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 8 स्टार्ट किया था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। 3 हमारी हो गई साइन कोस टेन, और जो बाकी की 3 हैं वो उनका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा है, कोस का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है, और टेन का रेसिप्रोकल कोट थीटा होता है। और जैसा कि आपको मैंने बताया था, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। और इन फॉर्मूलों को, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कोस थीटा किसके इक्वल होता है, कैसे लर्न किया जाए, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आज की वीडियो में हम रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, जो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होती हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इनके बीच में क्या रिलेशन है। फर्स्ट, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 के इक्वल होता है। आपको जैसे मैंने बताया था, साइन और कोसेक रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? रेसिप्रोकल। साइन कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल होता है। हम इसको प्रूव भी करके देख सकते हैं कैसे। साइन क्या होता है? पी बाई एच, और कोसेक क्या होता है? एच बाई पी, एच से एच कर गया, पी से पी, तो 1 किसके इक्वल आ गया? 1 के, यानी कि दोनों साइड इक्वल हैं। ठीक है, अब ध्यान दें, यहां से हमारे दो फॉर्मूले निकलते हैं। फर्स्ट, साइन थीटा जो होता है 1 बाई कोसेक, अभी जैसे मैंने बताया था साइन किसका रेसिप्रोकल होता है? कोसेक का। यानी कि आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे, अगली जो हमारी एक्सरसाइज होंगी उसमें हमें साइन को, जैसे कोसेक में अगर चेंज करेंगे तो आप साइन को कैसे लिख सकते हैं? 1 बाई कोसेक लिख सकते हैं। यहां से अगर हम कोसेक, तो साइन क्या हो जाएगा? नीचे आ जाएगा, तो कोसेक हो गया हमारा 1 बाई साइन थीटा, यानी कि साइन 1 बाई कोसेक के होता है, और कोसेक 1 बाई साइन थीटा के इक्वल होता है। सेकंड, अब साइन के बाद कोस का किसके साथ रेसिप्रोकल होता है? सेक के साथ। कोस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के इक्वल होता है। उसी तरह से आप प्रूव भी कर सकते हैं, लेफ्ट साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहां से हमारे दो फॉर्मूले निकलते हैं, कोस थीटा तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा 1 बाई सेक थीटा। जैसे कि मैंने बताया था, कोस और सेक आपस में रेसिप्रोकल होते हैं। अब इसके बाद सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, यहां से दो फॉर्मूले निकले आपके। जैसे हमें कोस को सेक में अगर लिखेंगे किसी भी क्वेश्चन में, अगर हमें जरूरत पड़ेगी आगे की एक्सरसाइज में, तो कोस किसके इक्वल होता है? 1 बाई सेक के, सेक 1 बाई कोस के। थर्ड, अब टेन और कोट में, टेन और कोट का रेसिप्रोकल होता है, टेन इंटू कोट थीटा 1 होता है। तो यहां से फिर हमारे दो फॉर्मूले हैं, टेन थीटा जो होता है 1 बाई कोट थीटा, और कोट थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोट थीटा निकालेंगे तो टेन क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा ना, टेन थीटा। समझे फ्रेंड्स, टेन 1 बाई कोट होता है, कोट किसके रेसिप्रोकल होता है? टेन का, 1 बाई टेन। अब ध्यान दें, टेन थीटा साइन बाई कोस होता है, यानी कि साइन को अगर आप कोस से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? टेन आ जाएगा। देख सकते हैं आप साइन को कोस से डिवाइड करके, साइन थीटा बाई कोस थीटा। साइन क्या होता है? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, और कोस क्या होता है? बी बाई एच, तो पी बाई एच, तो एच बाई बी कैंसिल हो गया, क्या बचा? पी बाई बी। और ये किसके इक्वल होता है फ्रेंड्स? टेन थीटा। टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, तो टेन आ गया हमारा। तो टेन को मुझे
कहीं पे भी साइन और कोस के फॉर्मूले में लिखना हो तो टेन को मैं कैसे लिखूंगा, साइन बाई कोस। फिफ्थ है हमारा कोर थीटा। अब आपको पता है कोर क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल वन बाई टेन, तो वन बाई टेन करेंगे तो क्या हो जाएगा, कोस बाई साइन। देखो कोट थीटा क्या होता है, वन बाई टेन थीटा, तो वन बाई, अब टेन थीटा हमारा क्या है, साइन थीटा बाई कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा ये, कोस बाई साइन, इसलिए कोट क्या होता है, कोस बाई साइन। अब ध्यान दें ये अब स्क्वायर रिलेशन, मन से स्टार्ट कर देता हूं साइन। अब ये हमारे स्क्वायर रिलेशन ट्रिग्नोमेट्रिक में अगर हम इसका ध्यान दें, साइन थीटा, थीटा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा वन होता है, जैसे यहां पे था साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इक्वल टू वन, तो इसी तरह जैसे ध्यान से देखें मैंने दोनों साइड क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, तो इसका भी स्क्वायर a इंटू बी, और इसका स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, साइन थीटा की स्क्वायर और कोसेक थीटा की स्क्वायर वन। अब ध्यान दें साइन थीटा की स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, दो बार मल्टीप्लाई, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता, एंगल मल्टीप्लाई नहीं होता, थीटा इंटू थीटा, थीटा की स्क्वायर नहीं बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा की स्क्वायर, या इसको हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस बात को आप नोट करें कि जो साइन थीटा की स्क्वायर, सिमिलरली बाकी जो फंक्शन है हमारे कोस टेन सबके लिए वैलिड ऐसे ही होगा सेम, साइन थीटा की स्क्वायर का मतलब है साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इसका मतलब ये है, तो थीटा से थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आता, जब इसका स्क्वायर आप करते हो इसका जो स्क्वायर करते थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, इसका मतलब है साइन स्क्वायर थीटा दिस इज नॉट इक्वल टू साइन थीटा स्क्वायर, ये गलत हो जाएगा। तो मैंने इस पे इस फॉर्मूले को दोनों तरफ स्क्वेयरिंग किया तो साइन स्क्वायर कोस का स्क्वायर वन होता है, यहां से हमारे दो फॉर्मूले निकले साइन स्क्वायर थीटा वन बाई कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। ध्यान दें साइन स्क्वायर थीटा यहां पे अगर आपने दोनों साइड स्क्वायर कर दिया, इधर भी स्क्वायर हो गया, इधर भी क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सेकंड सेम हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा वन होता है, तो यहां से हमारे पास अब यहां से भी एक फॉर्मूला आपका निकलेगा कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब सिमिलरली फ्रेंड्स सेकंड कोस थीटा इंटू सेक थीटा वन है तो कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा भी वन होता है, यहां से हमारे दो फॉर्मूले कोस स्क्वायर थीटा वन बाई सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा कोस नीचे आ जाएगा वन बाई कोस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली टेन इंटू कोट है टेन स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा वन होता है, तो यहां से हमारा टेन स्क्वायर थीटा
किसके इक्वल हो गया, 1 बाई कॉट स्क्वेयर थीटा, और कॉट स्क्वेयर थीटा 1 बाई टेन, यानी कि जितने भी हमने फॉर्मूले अभी 1 से लेकर 5 तक किए हैं, 1 से लेकर 5 तक किए हैं, उनमें सब में स्क्वेयरिंग हो जाएगी, कॉट स्क्वेयर थीटा 1 बाई टेन स्क्वेयर थीटा। अब हमारा क्या बचा, अब ये हमारे पास फोर टेन थीटा है, टेन स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा है, साइन स्क्वेयर थीटा बाई कॉस स्क्वेयर थीटा, कोट स्क्वेयर थीटा, मैं इसको रब कर देता हूं, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये था आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़।